गांधी की शहादत हुई, इतिहास आपके सामने है, क्या हुआ? शरारती लोगों की गलतियों से दंगे हुए हुए, क्या इतिहास के पन्नों को, खूनी पन्नों को आप खोलना चाहते हैं? अगर आपके आंदोलन के अंदर आप आंदोलन करिए, अगर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के वो पॉपुलर प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पर दुनिया उनको सल्यूट करती है, अमेरिका उनके लिए लाल कारपेट में जाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके चरण छूता है, ठीक, आपको नहीं अच्छा लगता आप गाली दीजिए, जो कहना कहिए, पर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मैं सरदारबाद में हूं, मैं कहता मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, हमारे गुरुओं का देश है, हद हो गई यार, हमारे प्रधानमंत्री जी को धमकी दी जा रही है मारने की, इंदिरा गांधी को मार दिया गया, सरदार बेअंत सिंह को मार दिया गया, चीफ मिनिस्टर को कई इन्होंने मार दिए, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, पर आंदोलन के बीच में घुस करके जो खालिस्तान के नारे लगाए, देश को तोड़ने के नारे लगाए, वो कभी बर्दाश्त नहीं होंगे, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और किसानों की बातचीत अभी भी इनको करनी चाहिए। 26 जनवरी को आंदोलन था, किसान किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन था, ठीक है, दिल्ली में इजाजत दी गई, 26 जनवरी का दिन था, दुनिया के लोग अम्बेसडर, दुनिया देख रही थी, दुश्मन देश पाकिस्तान देख रहा था, तो आंदोलन हाथ में रहा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हाथ से निकल गया, अगर अब हाथ से निकला, अभी आप वीडियो निकालिए, किस किसने कहा कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे, किस किसने कहा, क्या उसकी जांच करेगी किसान आंदोलन के लीडर? आप किसान आंदोलन करिए, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसे लड़ाई हो सकती है, आपसे दुश्मनी हो सकती है, आप उसको बुरा कह सकते हो, पर हम जिस नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाई, जिस नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिस नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु की तरफ इस भारत को, पंजाब अकेले भारत को आगे पहुंचाने की कोशिश की, अगर उसकी तरफ कोई आंच आ गई तो उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, हमने कभी नहीं छोड़ा। क्या क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने, सिख धर्म उनका एक आदर्श है, में जो लीडर है आंदोलनकारी वो बातचीत करे, पर क्या लाल किला में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लाल किला के जो पुलिस वालों को रोदा गया पैरों के नीचे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या क्या दिल्ली के अंदर दोबारा अगर ऐसी बात हो, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, दुनिया दुनिया के एम्बेसडर वहां रहते हैं, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? आज दुनिया के अंदर क्या संदेश है कि हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, तो संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि हमारा देश तो टूट रहा है, हमारे देश में खालिस्तान की बात चल रही है। ये मेरा सवाल है, प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। अब मेरे से पूछो सरदार, नहीं मैं मेरा बाद में हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, यार मैं भारतीय हूं, मैं कोई सरदार हूं तो मैं एहसान नहीं कर रहा यहां बोल करके, मेरा हक भारत है, मेरा खून 14 बार बम्बों से इस भारत में गिरा है, ये मेरा भारत है। हद हो गई, ये भगत सिंह का भारत, राजगुरु सुखदेव का भारत, सरदार पटेल का भारत, उसके लिए मैं पंजाब का नहीं, मैं पहले भारतीय। ये सबको फैसला करना है कि आंदोलन करते करते कहीं भारत मां को विश्व गुरु की तरफ जो जा रहा है आंच ना आ जाए। बस धन्यवाद।